जैन साथियों, आज जो करने वाले हम लोग आर्मी क्लर्क के लिए फुल टेस्ट पेपर करने वाले हैं, जिसमें टोटल आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। और आज इस पेपर को लगा लेते हैं, समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में है। और इस पेपर जो है सेम का सेम समझ लीजिए एग्ज़ाम में आने वाले पेपर हैं। ऐसा पेपर आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलने वाला है, या किसी बुक में सर्च करोगे तो नहीं मिलने वाला। इसलिए इस टेस्ट को पूरा पूरा लगाएं और अपने आप को एनालाइज़ कर लें कि ऐसा पेपर आपको एग्ज़ाम में आ जाएगा तो आप कितना आप कर पाओगे। आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं अगले वीडियो में मैं बता दूंगा आपको कि इसमें कितना कटअप था। ठीक है, आज मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपका टारगेट कितना है। अपना बेस्ट करिए, एक ही बात है, अपना बेस्ट करिए। प्लस में आपको लग रहा है इंग्लिश से डर लग रहा है तो हमारा जो वीडियो कोर्स है जो कि अभी 500 का चल रहा है, नेक्स्ट टाइम इसका फी बढ़ जाएगा, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। आर्मी क्लर्क के लिए कंप्लीट इंग्लिश है, जो भी अभी आपका लेटेस्ट पैटर्न है उस पर ये वीडियो कोर्स है। और इसमें अभी और भी क्लासेस आने वाले हैं तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लस में इंग्लिश के लिए ई बुक है, जिसमें कि पैसेज है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशन, कॉमन एरर, पीक्यूआरएस, सायोनिम, एंटोनिम है। ये भी आर्मी क्लर्क के लिए बेस्ट बुक है। और ये जो है आपका वॉल्यूम 3 है मॉडल पेपर का, जिसमें कि 10 सेट है। इससे पहले भी वॉल्यूम 2 भी है, वॉल्यूम 1 भी है। तो मैं बोलूँगा आपको कि वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 जो है आप कंप्लीट कर लीजिए अपने एग्ज़ाम के लिए, टेस्ट लगाने के लिए। सबसे बेस्ट आपको ये ई बुक है। तो लेने के लिए पेमेंट आपको कितना करना पड़ेगा, इस नंबर पर करना होगा, मैं आपको बुक व्हाट्सएप कर दूँगा। और क्लास ज्वाइन करने के लिए आप वन प्लस डिफेंस अकेडमी का एप्लीकेशन भी ज्वाइन कर लेना। चलो अब देखो, आपके सामने में क्वेश्चन आ चुका है, अब स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि आपके एग्जाम में ये तो क्वेश्चन आ गया है कि भारत में किस राज्य में वन आरक्षित क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी कौन सा राज्य जो है जिसमें कि वन सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन में से क्या होगा आपका आंसर, आप मुझे कमेंट करके या फिर अपने आप को एनालाइज करने के लिए आप लोग नोट कर लीजिएगा और देख लीजिए और मेरे आंसर से मैच कर लीजिए। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है इसमें भारत की सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है आपको, जब प्रथम विश्व युद्ध के बारे में चर्चा कर दिया गया है तो द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में भी आप लोग याद कर लीजिएगा, सोच लीजिएगा। अब यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, 1914 में स्टार्ट हुआ था और ये 4 साल तक चला था, ये 1918 तक चला था। और द्वितीय विश्व युद्ध आपके कब तक चला था ये आपको याद होना चाहिए, द्वितीय विश्व युद्ध 6 साल तक चला था। 6 साल तक आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं कि ये कब से कब तक, कौन से ईस्वी से कौन से ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन अगला सामने में आपके है कि अबू धाबी का राजधानी शहर है, अबू धाबी जो है कौन से देश का राजधानी है। तो यहाँ पर है यूनाइटेड अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, साउथ कोरिया और इटली। तो यहाँ पर अबू धाबी जो है ये है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, अमीरात का ये राजधानी है अबू धाबी, ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब आपके सामने में अगला क्वेश्चन आ गया कि संसद में सामान्य नीति के मामलों पर सरकार के मुख्य प्रवक्ता कौन होते हैं। संसद में सामान्य नीति जो होता है उसके जो प्रवक्ता होते हैं वो कौन होते हैं, क्या ये स्पीकर होता है लोकसभा या राज्यसभा का, या फिर प्रधानमंत्री या संसदीय मामलाओं के मंत्री होते हैं, या गृह मंत्री होता है। इसको याद कर लीजिए और अपने आंसर से मैच कर लीजिए। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, इसका जो होता है अध्यक्ष होता है, मुख्य प्रवक्ता जो होता है ये होता है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने में आ गया कि निम्नलिखित में से आपातकालीन श्रेणियों में से कौन सा अभी तक घोषित नहीं किया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 4 आपातकाल दिया गया है। पहला दिया गया है राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी। अगला है संवैधानिक मशीनरी के विफल होने से आपातकाल या वित्तीय आपातकाल, और यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा आपातकाल है जो अभी तक भारत में घोषित नहीं किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा कि फिनांशियल आपातकाल यानी कि फिनांशियल इमरजेंसी अभी तक भारत में नहीं लगा है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन में आ जाओ कि सेविंग आईना है, सेविंग आईना क्या है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है सेविंग आईना का, तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉन्क्लेव जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, अब तक आपका यहाँ पर आंसर है।
ठीक है, अपने आंसर को मैच करते रहिएगा और देखते रहिएगा कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, कहाँ पर आपको डाउट लग रहा है, उसका भी स्क्रीनशॉट लेते रहना और नोट बनाते रहना। अगर आप ये एप्लीकेशन पर देख रहे हो ठीक है, तो वहाँ पर स्क्रीनशॉट तो होगा नहीं, आप नोट बना लेना। बाद में कि अगर यूट्यूब पर क्लास पहुँच रहा है अगर आपको, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो। बाद में कि ये जो टेस्ट है, ये विजेता आर्मी क्लर्क का टेस्ट है, ये टेस्ट नंबर 14 है, तो ये जो है मैं एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों पर होगा ठीक है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है विजेता आर्मी क्लर्क टेस्ट, जिसमें कि वीडियो सॉल्यूशन मिलता है 20 टेस्ट का, तो अभी तक ज्वाइन करने नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा एप्लीकेशन पर जाकर, प्लस में आप 9102195290 मुझे व्हाट्सएप करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा एक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में कौन सा प्रयोग किया जाता है? क्या ये कोयला होता है, यूरेनियम, रेडियम या डीजल? यह क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूरेनियम प्रयोग किया जाता है परमाणु रिएक्टर में, ऑप्शन नंबर बी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने में 4 ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर अपना आंसर से मैच कर लीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कि 7.35 से 7.45 तक पीएच मान होता है मानव रक्त का ठीक है। तो आपका आंसर ऐसे ही सही होना चाहिए अगर आप एग्जाम देने वाले हो इस पर, तो अगर नहीं पता है इसका आप नोट जरूर बना लेना ठीक है। मैं जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर, या तो एप्लीकेशन पर है या यूट्यूब पर है, सभी क्वेश्चन आपको A to Z पता होना चाहिए अगर आर्मी क्लर्क में सक्सेस करना चाहते हो तो ठीक है। आगे आ जाओ, सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन सा है? सभी एसिड के लिए जो होता है वो आपका कॉमन क्या होता है? अब यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर या ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर देख लीजिए, सभी एसिड के लिए जो कॉमन होता है ये होता है हाइड्रोजन होता है, ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ, GK GS का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, कि सूरज की ऊर्जा का स्रोत कौन सी प्रक्रिया के कारण होता है? क्या ये आपका फोटोइलेक्ट्रिक उत्सर्जन कारण, परमाणु विखंडन या परमाणु संलयन या किसी गर्म स्रोत से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, किसके कारण होता है? परमाणु सूर्य से जो ऊर्जा का स्रोत होता है, सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो किससे होता है? यहाँ पर आपका आंसर देख लीजिए, कन्फ्यूज मत करिएगा, एक तो है न्यूक्लियर फ्यूजन है और न्यूक्लियर फ्यूजन है, फ्यूजन और फ्यूजन है यानी कि परमाणु विखंडन और संलयन है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन है आपका, फ्यूजन है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर में आपके एग्जाम में टारगेट जो होना चाहिए 5 का 5 क्वेश्चन का टारगेट होना चाहिए, चाहे जैसे भी करो 5 का 5, और किसी भी केस में हो सकता है कि एक क्वेश्चन ना बने, लेकिन 4 क्वेश्चन आपका 100% बनना चाहिए एग्जाम में अगर आप आर्मी क्लर्क में जाना चाहते हो। तो ये करने के लिए यूट्यूब पर जो मैंने करा दिया है कंप्यूटर का, वो आप 100% कर लेंगे आप, प्लस में आप लोग जो कंप्यूटर का मैंने बना दिया है PDF ठीक है, वो 50 रुपये का जो है वो आप जरूर ले लीजिएगा, और 100% है जो आप एग्जाम में बेस्ट करोगे और बढ़िया करोगे। तो ये लेने के लिए मैंने दिया है नंबर है, जो भी है आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे आप चैट भी कर सकते हो, बता भी सकते हो ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि MS Excel को, अब यहाँ पर क्वेश्चन मैंने बताना छोड़ दिया आपको कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है या एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, ऑप्शन नंबर बी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि MS Excel को किस नाम से जाना जाता है। अब MS Excel किस नाम से जाना जाता है, क्या ये वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, प्रेजेंटेशन या फिर स्प्रेडशीट प्रोग्राम या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंटेशन को किसको, पावर पॉइंट क्या जाना जाता है, पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम यहाँ पर MS Word को कहते हैं हम लोग ठीक है। तो इतना जरूर याद कर लीजिएगा, और ये तो MS Excel है ही ठीक है ना, समझ गए। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्राफिकल फाइल नहीं है? ग्राफिकल फाइल यानी कि जो इमेज का जो होता है, फोटो का जो एक्सटेंशन होता है, वो कौन सा नहीं है? यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर कि कौन सा नहीं है कह रहा है।
देखिए आपका आंसर किसमें हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये .txt जो है ये एक टेक्स्ट फाइल का ये एक्सटेंशन होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। बाद बाकी GIF, BMP और JPG क्या होता है, एक ग्राफिकल फाइल का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ कि इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्यों को क्या कहते हैं। इंटरनेट पर जो भी हम लोग कार्य करते हैं उसको क्या कहते हैं, क्या जो सर्फिंग कहते हैं, गैम्बलिंग कहते हैं, ए और बी यानी कि सर्फिंग और गैम्बलिंग दोनों कहते हैं, या ऊपर में से कोई भी आपका आंसर नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर अपने आंसर से मैच कर लीजिए। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, उसे सर्फिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब आगे आ जाओ, एक बिल्डिंग के भीतर नेटवर्क के लिए उपयुक्त है, एक बिल्डिंग के भीतर नेटवर्क के लिए कौन सा उपयुक्त है, क्या ये लैन, वैन या ऊपर में से ए और बी दोनों, या फिर नन ऑफ द एवब, क्या हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। यहाँ पर कॉप्टन फिफ्स का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा लैन हो जाएगा। अब देखिए कई बार आप एग्जाम में लैन का भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है और वैन का भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो लैन का फुल फॉर्म जो यहाँ पर है लोकल एरिया नेटवर्क, क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है। और आपका वैन का जो फुल फॉर्म है ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क, क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। देख लीजिए यहाँ पर मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ वाइड है या क्या है, एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा आप लोग VAN का, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क मैंने बता दिया आपको यहाँ पर। तो लोकल ही आपका हो गया वाइड, मेरे ख्याल से ठीक ही होगा, तभी आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत यहाँ पर हूँ तो। वैसे वैन और लैन बहुत ही कॉमन है, कई बार तो यूज़ भी करते हैं, ठीक है, वाइड ही होना चाहिए था। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है मैथ का, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी सा, और आपका मैथ का जो क्वेश्चन आपका टारगेट होना चाहिए एग्जाम में, जैसे 10 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं इसमें से 8 से 9 क्वेश्चन आपका टारगेट होना चाहिए। वैसे तो मैं बोलूँगा 10 का 10 क्वेश्चन बना के लाओ, लेकिन मैं 8 से 9 इसलिए मैं कहता हूँ कि आप 100% तो हर चीज़ में नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं 8 से 9 इसलिए कह रहा हूँ कि इसका मतलब मैं 100% के बारे में बात कर रहा हूँ। आप 9 करना मतलब क्या 100% करना एक तरह से हो जाता है। आपका टारगेट 10 का 10 टारगेट आपका होना चाहिए, तब कहीं जाकर आपका 8 से 9 क्वेश्चन बनेगा, तभी आप 10 क्वेश्चन बना सकते हो, ऐसा क्वेश्चन होता है एग्जाम में। अब यहाँ क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई करने कह रहा है आपको इसका इतना। अब देखिए ये ऐसा क्वेश्चन जब भी आया है तो एक बार जो भी फॉर्मूला है ना अलजेब्रा का जो भी फॉर्मूला है इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पर अलजेब्रा का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है पर ये बेस्ड है, ये फॉर्मूला किसका है, अगर एक्स क्यू प्लस में एक्स एक वन का क्यूब में कर दो ना, इसका फॉर्मूला में ये बन जाता है। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पर आ जाता है ये, तो क्या होता है इसका ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर ए का क्यूब करूँगा तो एक ही रहेगा ना, एक का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर एक ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर एक का एक दे दिया गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाता है। तो आप याद कर लीजिएगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला जो होता है ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर फॉर्मूला आपको मैथ में जो भी है आपको याद जरूर होना चाहिए। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 30 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है, यदि उनके शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है, शिक्षक की आयु वर्षों में कितना है। देख लीजिए यहाँ पर 30 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है, उसमें से एक शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु कितना बढ़ जाता है, 10 वर्ष बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान सा एक ट्रिक है, या फिर बिना ट्रिक लगाए कर सकते हो। तो बिना ट्रिक लगाए कैसे बनाओगे, 30 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है, इसका कुल आयु निकालने के क्या करेंगे आप, दोनों को गुना कर देते हैं कुल निकालने के लिए, 30 गुना में 9 कर लीजिए कितना बन जाएगा, 30 9 70 270 बन जाएगा। अब उनके शिक्षक को शामिल कर लिया गया है, यानी पहले 30 लोग था, अब कितने लोग हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे ना, तो 31 लोग का जो औसत आयु हो जाएगा अब कितना, 10 वर्ष हो गया ना, एक वर्ष बढ़ गया यहाँ पर, यानी 10 गुना कर दीजिए 310 हो जाएगा। अब देखिए क्यों बढ़ा आपका इसका टोटल आयु, क्योंकि इसमें शिक्षक को शामिल कर लिया गया है तो कितना बढ़ा है, तो 310 में से 270 को कम कर दीजिए यानी कि 40 वर्ष बढ़ा है ना, तो 40 वर्ष किसका बढ़ा, शिक्षक की आयु बढ़ा, तो वही आपसे क्वेश्चन भी पूछ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। क्लियर यहाँ पर हो गया ना, यही आपका यहाँ पर है। बाद में इसका ट्रिक भी है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप ट्रिक मत लगाओ, ऐसे में कंफ्यूज कर जाओगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना आप लोग। चलो आगे दिया गया है कि दो संख्याओं का योग 300 है, उनका अंतर दिया गया है यानी डिफरेंस दिया गया है,
150 तो संख्याएं ज्ञात करने के लिए कह रहा है, संख्याएं क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर दो संख्या दिया गया है उनका योग। अब ऑप्शन में अगर दोनों संख्या दिया हो तो आप डायरेक्टली आप ऑप्शन से ही जा चल के आप बना लेंगे। अब तो सुनिए इसमें से दो संख्या कौन कौन सा है जिसका जोड़ करने पर योग करने पर कितना आना चाहिए 300 और घटाने पर 150 आना चाहिए। अब यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को देख रहा हूँ यहाँ पर तो जोड़ के 300 आ रहा है लेकिन घटाने पर 150 नहीं आ रहा है, तो आपका आंसर ये नहीं होगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ ना तो आपका 300 नहीं हो रहा है ना जोड़ के, अब घटाने पर आ जाए तभी कोई मतलब नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन जब मैं तीन पे मैं आ रहा हूँ ना 225 प्लस में अगर मैं 75 कर देता हूँ तो जोड़ के कितना रहा है 300 तो आ रहा है, और 225 माइनस में 75 कर दूँ यहाँ पर घटाने के बाद 150 आ रहा है, जो कि ऑप्शन जो है आपका ए और बी दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है यदि 5 पुरुष या 9 महिलाएं किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 3 पुरुष और 6 महिलाएं समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब यहां पर क्या है या दिया गया है यानी कि और दिया गया है। अब इसमें क्या कर लीजिए ऐसे क्वेश्चन में, या तो सभी को आप पुरुष बना लीजिए यानी कि एक मैन बना लीजिए, या फिर सभी को वुमेन बना लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको आसान हो जाएगा क्वेश्चन बनाने में। देखिए यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 5 मैन बराबर में 9 वुमेन। अब यहाँ पर मैन है ये वुमेन है औरत यहाँ पर है। अगर मैं एक मैन की बात करूँ तो कितना 9 बटा में 5 वुमेन हो जाएगा। अब यहाँ तो निकल गया क्यों, ऐसे मैंने कैसे कर दिया कि 9 5 पुरुष बराबर में 9 महिलाएं मैंने कर दिया यहाँ पर दोनों कर दिया, तो एक महिला बराबर में एक आदमी बराबर में कितने महिलाएं हो जाएंगा मैंने कर दिया। आगे दिया गया है कि 3 पुरुष और 6 महिलाएं काम करता है ना, तो मैं 3 पुरुष को क्या बना लेता हूँ, मैं पुरुष को यहाँ पर महिला बना लेता हूँ, तो 3 पुरुष बराबर में कितना हो जाएगा 1 पुरुष बराबर में दिया गया है इतना महिला, तो 3 बराबर में कितना हो जाएगा 3 गुना बढ़ जाएगा, तो 9 बटा में 5 गुना में 3 कर लीजिए यानी कि 27 बटा में 5 वुमेन हो जाएगा। अब क्लियर हो गया यहाँ पर। इतना करने के बाद अब आगे बनाओ, एक फॉर्मूला आप याद कर लेना जो कि मैंने कई बार बता दिया है कि M1D1 बटा में वर्क 1 बराबर में M2D2 बटा में वर्क 2। अब यहाँ पर काम तो नहीं दिया गया, काम दोनों बराबर ही है ना, तो दोनों का आप हटा दो, इसका मतलब अभी कुछ करना ही नहीं है। जब दोनों का काम अलग होता है तो नीचे में वर्क लिखते हैं, अभी उसे मुझे कोई मतलब नहीं है। पहले कितना आदमी था, पहले देखो यहाँ पर अगर मैंने सभी को मैंने महिला बना दिया है ना, तो आपको यहाँ पर उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर महिला से ही मतलब है। तो 9 महिला काम कितना दिन में करता था यहाँ पर 19 दिन में, तो आदमी गुना में दिन, आदमी मैंने कर दिया 9 और गुनाम कर दिया मैंने दिन 19 बराबर में M2 बात कर रहा हूँ, यानी अब कितने लोग हो गए, अब लोग हो गए देखिए 27 बटा 5 ये तो हो गया 3 पुरुष के बराबर में और 6 महिलाएं भी है ना, तो 6 प्लस में 27 बटा में 5 कर लीजिए, तो इतना आदमी काम करेगा ना, 3 महिला पुरुष और 6 महिला के बराबर में कितना महिला हो जाएगा, मैंने इतना कर दिया तो 56 30 कितना हो जाएगा 56 एलसीएम हो जाएगा 30, यहाँ पर 5 हो जाएगा एलसीएम 56 30 प्लस में 27 यानी कि 57 बटा में कितना हो जाएगा 5। तो अब 57 बटा में 5 गुना में अब महिला आप कितना दिन लगेगा मुझे पता नहीं है, मैंने डी कर दिया, अब छोड़ दीजिए आप ऐसे करके सॉल्व कर लीजिए। आप देखिए यहाँ पर 19 दिया 57 और 3 से काट दो 3 दिया 9, इधर बच गया ऊपर में 3 नीचे बच गया 5, 5 दिया 15 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि दिन बराबर में कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो मैं समझा रहा हूँ तो आपको थोड़ा टाइम लगा है लेकिन आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगा। आप क्वेश्चन को दोबारा करके देख लीजिएगा इसको, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन में देख लो क्या है, दो संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है 11 और एलसीएम दिया गया है 1700 दिया गया है, यदि उनमें से एक संख्या दिया गया इतना तो दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए दूसरी संख्या का फार्मूला क्या होता है, दूसरी संख्या फार्मूला जो होता है एचसीएफ इनटू में एलसीएम बटा में क्या होता है पहली संख्या, या कहते बोल सकते हैं फर्स्ट नंबर, ठीक है। यहाँ दूसरी संख्या मैंने कि दूसरी संख्या अदर नंबर बोलें या फिर सेकंड नंबर बोलें। अब यहाँ पर एचसीएफ दिया गया है 11 गुना में 7700 बटा में पहला नंबर दिया गया 275 यानी कि अब यहाँ पर काट दो 11 गुना में 22 11 55 से काट दो यहाँ पर 75 0 यानी कि 08 308 हो जाएगा। काट निकालोगे कितना निकल जाएगा 308 जो कि ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर मेन क्या था आपका फार्मूला याद करना, फार्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब फार्मूला आपको पता होगा। अगर मैथ से तभी डर लग रहा है तो हमारा जो क्लास है आर्मी के लिए मैथ का वो आप क्लास जरूर ज्वाइन कर लेना जो कि एप्लीकेशन में चलता है। बाद बाकी कोई भी क्वेरी अगर हो क्लास से रिलेटेड तो आप मुझे इस पर मुझे व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा। बुक लेना हो तभी, इसका लिंक तो मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो
नहीं तो आप मुझे इस पर व्हाट्सएप भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये क्लास है, दोनों के लिए क्लास मिल जाएगा, एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों पर है। बाद बाकी ये सब पेड कोर्स का ये है, इसीलिए आपको, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, आगे दिया गया, यदि संख्या n को 5 से विभाजित किया जाए, 5 से भाग लगाया जाता है, यानी कि अगर n को 5 से डिवाइड किया जाता है, 5 से डिवाइड किया जाता है, तो रिमाइंडर कितना आता है, यानी कि शेष कितना आता है, 3 आता है। तो n का इकाई अंक क्या हो सकता है? मान लीजिए n एक संख्या है, अब n में 5 भाग लगाते हैं तो उसका घटा कितना आता है, रिमाइंडर 3 आता है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर इकाई स्थान पर हो सकता है? मान लीजिए नंबर कोई सा भी हो, उसके इकाई स्थान पर मान लीजिए अगर 2 रहेगा, पीछे कुछ भी रहेगा, तो 80 तो कट जाएगा 5 से, एक शेष में कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, लेकिन यहाँ दिया गया 3 ना, तो 4 वाला भी नहीं आएगा, 6 वाला भी नहीं आएगा, और 2 वाला भी नहीं आएगा, 3 आएगा। अगर संख्या के एक संख्या कोई सा भी हो और उसके इकाई स्थान पर अगर 3 आ जाए, अगर 3 आ जाए तो क्या शेष पर कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा, 5 भाग लगाएंगे तो 3 ही बचेगा ना। आप किसी कोई सा भी कर लो, कोई सा भी कर लो, देखो आप कर लो, शेष कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो इकाई स्थान पर क्या हो सकता है, इकाई स्थान पर क्या हो सकता है, तो 3 हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब आगे देख लो क्या है कि एक व्यक्ति ने एक ट्रांजिस्टर को 10% हानि पर 450 रुपये में बेच दिया, तो ट्रांजिस्टर का क्राय मूल्य कितना है? क्राय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। क्राय मूल्य क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं हम लोग। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू में 100 अपॉन में 100 माइनस में लॉस परसेंट। क्या करेंगे, लॉस परसेंट। अगर यहाँ पर प्रॉफिट होता तो यहाँ पर प्लस करते हैं, यहाँ प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ लॉस है तो इसलिए मैंने माइनस कर दिया है। यानी कि 450 गुना में 100 बटा में ये हो जाएगा 90 हो जाएगा, क्योंकि देखो 10% हानि है ना, तो 100 में से आप क्या करोगे, 100 में से 10 घटाओगे, यानी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना। आपका 0 कट जाएगा, 9 × 45 500 हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर यहाँ पर हो गया आपका। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाओ। देखो 23 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लो, आराम से पढ़ लो और इसको सॉल्व भी करो, आप ही करो। अब यहाँ पर देख लो कितना आसान सा क्वेश्चन है। साधारण ब्याज निकालना है आपको, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है आपको। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये देख लो, PRT अपॉन में 100 होता है, यानी पी यानी कि मूलधन, रेट और टाइम, यानी कि रेट दर दिया गया और टाइम दिया गया है। तो मूलधन कितना दिया गया है, 3000 दिया गया है, मुझे दिया गया है, और आपका रेट भी दिया गया है 5% पर एनम है, और टाइम दिया गया है 2 साल, यानी कि 2 ईयर दिया गया है। अब बटा में 100 कर लो, 0 0 कट जाएगा, 5 × 15 उतना में 30, यानी कि 300 क्या हो जाएगा, 300 रुपया क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि इसका सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। इसमें मेन क्या था, फार्मूला आपको याद करना है, बाद बाकी आपको सब कुछ दे दिया गया है। आपको ये फार्मूला है याद है तो आप पी का भी फार्मूला, यानी कि प्रिंसिपल का फार्मूला निकाल सकते हो, एस आई इन टू में 100 बटा में आरटी कर सकते हो। अगर आप आर निकालना है, रेट निकालना है, डायरेक्टली आप एस आई इन टू में 100 बटा में आप यहां पर पी इन टू में टी कर लो, और जब टाइम निकालना हो यहां पर तो क्या करोगे आप लोग, एस आई इन टू में 100 अपॉन में पी इन टू में आर कर लो। ये है फार्मूला, ठीक है। अगर ये फार्मूला याद है तो इस फार्मूला से ये बना है। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 20,000 का 20% क्या होगा। देखो मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर अपना चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर 20,000 का 20% निकालो, यहाँ पर 20,000 का 20% निकालोगे, इसका तो ऑर्ली कर सकते हो, मौखिक ही कर सकते हो, लेकिन तभी मैं बना दे रहा हूँ। 0 0 कट जाएगा, यहाँ पर 2000 दुना में 4000 हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। अब आगे आ जाओ, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है यहाँ पर कि 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि होती है जब उनमें 65 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो उस नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन बनाने के लिए आप बहुत ही शॉर्ट तरीके से बनाओ। अब देखो पहले कितने लोग थे, 8 लोग थे ना, अब जितना औसत था, औसत में कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि उस व्यक्ति का भार था 65 किलोग्राम था, जब इसका पहले का जितना औसत था उसमें से आदमी चला गया, उसके स्थान पर नया व्यक्ति आ गया ना, तो अब औसत इसका इतना था, 65 किलोग्राम था, या उसका पहले के बाद जो आदमी चला गया उसका वजन कम था, जब व्यक्ति का भार ज़्यादा हो गया तभी तो औसत बढ़ा है ना, तो औसत पहले बढ़ा कितना, कुल कितना बढ़ा, ये तो औसत बढ़ा है ना औसत में, अब बढ़ा कितना कुल, तो 8 लोगों में 8 से गुना कर दो, 8.25, यानी कि 8 × 16 20, ये 20 किलोग्राम बढ़ गया, कितना बढ़ गया, ये तो औसत दिया गया था, यानी कुल की बात करूँ, कुल औसत में इतना बढ़ गया, कुल की बात करूँ तो 20 किलोग्राम बढ़ गया, यानी कह सकते हैं कि अभी जो आदमी आया है, ठीक है, अभी जो आदमी आया है वो कितना किलोग्राम आया है, 65 किलोग्राम का आया है ना,
यानी कि अब जो न्यू लोग पर्सन का जो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा, तो यानी कि 65 किलोग्राम दिया गया है, उसमें 20 ऐड कर दो यानी कि 85 किलोग्राम हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से पढ़ लें एक बार। एक व्यक्ति को 8 व्यक्ति का औसत भार इतना दिया गया वृद्धि हो जाता है जब उनमें से 65 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आता है। देखो 65 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति चला गया उसमें से, उसके स्थान पर नया व्यक्ति आया है, जब 65 किलोग्राम से ज़्यादा उसका वजन होगा तभी तो उसका औसत में वृद्धि हुआ ना, तो औसत में कितना वृद्धि हुआ है, तो यहाँ पर 20 किलोग्राम बढ़ गया। 20 किलोग्राम क्यों बढ़ गया, क्योंकि नया व्यक्ति का वजन ज़्यादा था, तो कितना ज़्यादा था, तो 20 किलोग्राम ज़्यादा था, तो कितना से 65 किलोग्राम व्यक्ति के स्थान पर आया, तो 65 किलोग्राम तो इसका है ही, प्लस में 65 प्लस में 20 और बढ़ गया ना, तभी तो औसत बढ़ गया ना, तो इन्हें ऐड कर दिया यहाँ पर 85 किलोग्राम हो गया। अब क्वेश्चन को दोबारा समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। चलो अगर नहीं समझ में क्वेश्चन आया होगा तो आप मुझे कमेंट कर बता दीजिएगा, मैं अगले क्लास में आपको इसको क्वेश्चन को अलग से ले लूँगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट इसका बहुत बढ़िया है। अब आगे आ जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका इंग्लिश का सेक्शन जो 25 क्वेश्चन का है। अगर आर्मी क्लर्क में आप आना चाहते हो तो इंग्लिश को आप स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इंग्लिश आपको करके जाना ही पड़ेगा, और इंग्लिश में बेस्ट करने के लिए एक ही जान बात है, प्रैक्टिस करो और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट को रीड करो। तो 1+Defense Academy जो है आर्मी क्लर्क के लिए एक बेस्ट है आपका एजुकेशन देने पर, कंटेंट जो भी है, मटेरियल है जो भी है, इसलिए क्लास जरूर ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है। क्लास ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन जो दिया गया है 1+Defense Academy का, ज्वाइन करके आप वहाँ से खुद से ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर आप मुझे इस पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये दिया गया है पैसेज, बाद बाकी पैसेज को मैं आंसर दे रहा हूँ अगले क्लास में, मैं क्लास को रिकॉर्ड करके मैं एप्लीकेशन पर डाल दूंगा पैसेज का सॉल्यूशन हिंदी में करके, ठीक है। ऐसे क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जरूर आप मुझे बता देना, ठीक है, क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर आप बस आंसर इसका नोट कर लो कि इसका आंसर क्या क्या है। तो 26 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है, और 27 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नोट कर लो, 2.5 times, और 28 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहेड हो जाएगा, और 29 का आंसर आप याद कर लीजिए, सी हो जाएगा, फॉलिंग, और 30 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, 4 times बी हो जाएगा, ठीक है। आप बनाकर चेक कर लेना तब तक इसको, आप आगे आ जाओ। तो ये है आपका पैसेज 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है, ऐसे पैसेज आपके एग्जाम में 1 आ सकते हैं, तो ऐसे पैसेज को उम्मीद करके चलिए। ये पैसे आप लंबा देखने में लग रहा है लेकिन ये बहुत ही आपका आसान है जब पढ़ेंगे तो ऐसे मैं जब पैसेज बताता हूँ ना क्लास में तो मैं लाइन बाय लाइन इसका हिंदी बताता हूँ ताकि आपकी तरफ से आपको याद ही हो जाए पैसेज, एक तरह क्वेश्चन आपको याद हो जाए, जब भी क्वेश्चन देखें अचानक मैं आपके मन में आ जाएगा कि मैंने ये क्लास करा हुआ था। अब यहाँ पर अगला पैसेज का जो आंसर है आप नोट कर लीजिए एक बार, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है, और 22 का आंसर आप नोट कर लीजिए, इसका बी हो जाएगा, ठीक है, सीरियस प्लानिंग इज नीडेड हो जाएगा, और 33 का आंसर नोट कर लीजिए आप लोग, इसका सी हो जाएगा, और 34 का आंसर हो जाएगा प्लेंटी ऑफ ऑयल यानी कि सी इसका हो जाएगा, और 35 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू बी टेकन सीरियसली हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब आगे आ जाओ, आगे मैं सॉल्यूशन करता हूँ इसका। सबसे पहला दिया गया है आपका PQIS का पार्ट दिया गया है, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका एग्जाम में, 3 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रीअरेंज करने कह रहा है आपका, जिसमें कि पहला और ये लास्ट का क्या है, फिक्स लाइन है आपका, बाद बाकी PQRS को आपको अरेंज करना है मीनिंगफुल ऑर्डर में, उसके बाद आपको चूज करना है। देखो ये करने के लिए मैंने बता दिया आपको कि ग्रामर का रूल जो है वो प्लस में ऑप्शन से आप प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना आपका है, कितना आपने प्रैक्टिस करा है, सब कुछ इसमें दिख जाएगा आपका। देखो एग्ज़ाम जो भी लगता है ना, चाहे आर्मी का हो चाहे कोई एग्ज़ाम हो, ये आपसे टेस्ट करता है कि आप कितना दिमाग इसमें लगाते हो आप लोग, ठीक है, यही बात है। तो प्रैक्टिस आपका मांगता है, प्रैक्टिस करिए, अपना बेस्ट करिए, एग्जाम में पास कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाद बाकी हम आपके साथ हैं किसी भी तरह से, ठीक है। तो बाद बाकी पूरा डेडिकेटेड क्लास है आर्मी क्लर्क के लिए, डायरेक्टली आर्मी के लिए क्लास कराया गया है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कहीं भी क्लास कर रहे हो या कर लिए हो या करने वाले हो तो एप्लीकेशन पर क्लास जरूर ज्वाइन कर लेना। अभी फ़ी क्या है, मात्र 500 है, नेक्स्ट बैच में फ़ी बढ़ जाएगा, बाद बाकी अभी ज्वाइन कर लोगे तो नेक्स्ट बैच में आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, बाद में नेक्स्ट बैच के लिए फ़ी बढ़ जाएगा, मैं इतना बता दे रहा हूँ आपको। क्या है, द टीचर आस्क द बॉय टू बी क्वाइट, टीचर ने क्या कहा बच्चों को, शांत रहने के लिए कहा, क्वाइट रहने के लिए कहा। उसके बाद क्या हो सकता है, द बॉयज ओपन देयर बुक, ऐसे क्वाइट रहने के लिए कहा तो डायरेक्टली तो बुक नहीं ओपन करेगा वो, शांत रहने के लिए कह रहा तो शांत ही रहेगा ना, तो ये आपका सेंटेंस पी से स्टार्ट नहीं होगा। सडनली देयर वॉज सम नॉइज आउटसाइड, तो क्वाइट रहने के लिए कहा, चुप रहने के लिए कहा, तभी बाहर से आवाज़ आया, तो आपको मीनिंगफुल में ये चीज़ हो सकता है,
लेकिन इसे बढ़िया पढ़ रहा हूँ, क्या हो सकता है? देन ही आस्क्ड टू देम देम टू ओपन देयर बुक। देखिए पहले शांत रहने के लिए कहा, फिर बोला कि किताब को ओपन करो, किताब ओपन करो। तो ये मे भी आपका आर से स्टार्ट हो सकता है, मुझे लग रहा है इसका बेस्ट लग रहा है। आगे है द टीचर लुक्ड आउटसाइड, तो अभी आएगा नहीं, यानी आर से जो है यहाँ पर बी से बढ़िया लग, क्यू से बढ़िया लग रहा है, आर लग रहा है। तो आर से स्टार्ट होने वाला दिया गया बस एक, और आर आपका सही है आपका, तो और ऑप्शन में है नहीं, तो डायरेक्टली आपका आंसर ये हो सकता है। लेकिन आर के बाद पी क्यू एस मैच करके देखते हैं हम लोग। पहले देखो, पहले शांत रहने के लिए कहा और उसके बाद क्या कहा, किताब ओपन करो। तो अभी मैंने क्या पढ़ा था, किताब जैसे ओपन करने के लिए बोला, तो बॉय ने क्या कर लिया, किताब ओपन कर लिया। यानी कह सकते हैं कि आर के बाद पी आ जाएगा, तो पी मेरा भी मैच कर रहा है। आगे देखो, अब पी जैसे किताब ओपन किया, तभी क्या हुआ, सडनली तभी अचानक में क्या हुआ, बाहर से आवाज़ आया, देखिए है ना, देयर वॉज सम नॉइज आउटसाइड, बाहर में एक आवाज़ आया। द टीचर लुक्ड आउट, जब आवाज़ आया तो टीचर ने आउटसाइड देखा, लुक किया, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि क्यू के बाद ऐसा जाएगा, क्यू के बाद ऐसा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया। अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, जब बाहर देखा तो क्या गया, एक डॉग जो था स्कूल के प्रेमिज में आ गया था, स्कूल के मैदान में आ गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर 100% आपका आंसर सही है। आप भी बोलोगे सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था जब हमने बता दिया यहाँ पर, इसलिए देखो क्वेश्चन डरना नहीं, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा लेवल का हाई नहीं आएगा, इसीलिए जो पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसलिए मैं आपको कंटेंट बेस्ड करवाता हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि एग्जाम पास करना चाहते हो तो जुड़ जाओ हमसे, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे दिया गया है इट वॉज माई फर्स्ट डे इन कॉलेज, क्या है, मेरा पहला दिन था कॉलेज में। तो आप आगे देखो क्या है लास्ट में, कि देयर दे फोर्स्ड मी टू पार्ट विथ माई मनी एंड दी रिस्ट वॉच, क्या हुआ, जब पहला कॉलेज दिन का दिन था उसका, तो आगे क्या है, दे लुक्ड मी टू देयर रूम, देखिए दे टुक मी टू देयर रूम, वो लोग, अब वे लोग यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, प्लूरल तो यहाँ पर दे तो आएगा नहीं, यहाँ पर पहला दिन कॉलेज में था, आगे क्या हो सकता देखते हैं। आगो आई इट वॉज माई फर्स्ट डे इन कॉलेज, एज आई इंटर टू सीनियर्स अप्रोच मी, जैसे मैं पहला दिन था कॉलेज में, तो जैसे मैं इंटर किया तो दो सीनियर हमारे पास पहुँचे। देखिए इसके बाद आपका क्यू हो सकता है, क्योंकि देखिए कॉलेज का पहला दिन था तो कॉलेज में इंटर किया, दो सीनियर वहाँ पर आए हैं उसके पास आया, ये आपका क्यू से स्टार्ट हो सकता है। इसे भी बढ़िया देखते हैं आगे है या नहीं है। आई वॉज हैप्पी टू फॉलो देम, अब फॉलो देम उसके पीछे पीछे गया, तो यहाँ पर देम कौन है अभी तो कुछ पता नहीं है ना, तो आपका आर से भी नहीं होगा। दे ऑफर्ड अभी भी नहीं आएगा, किसके लिए दे यूज़ कर रहा है ये भी नहीं आएगा। यानी कह सकते हैं आपका सेंटेंस क्यू से ही स्टार्ट होगा, 100% मैं श्योर हूँ। तो आप आंसर ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ से कर सकते हैं अगर आगे पता नहीं है तो, लेकिन अब लग रहा है मेरा आंसर क्यू से स्टार्ट हो जाएगा, तो क्यू के बाद मेरा एस भी मैच करना चाहिए और आर भी और पी भी मैच करना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लो क्यू के बाद एस, एस मैच कर रहा है क्या, जैसे मान लो इंटर किया तो उसके दो सीनियर उसके पास आए, दो सीनियर उसके पास आए, उसके बाद एस में क्या दिया है, दे ऑफर टू हेल्प टू लोकेट माई क्लासरूम, उसने क्या कहा कि आपको मैं ढूंढ के देता हूँ कि आपका क्लासरूम कहाँ पर है, क्योंकि बाद एस भी मेरा मैच कर रहा है। जैसे उसने कहा कि मैं क्लासरूम दिखा रहा हूँ आपको, उसने उसको हेल्प किया क्लासरूम दिखाने में उसके, तो देखो अब यहाँ पर कौन सीनियर के बारे में बात कर रहा है ना, दे आ गया ना, तो उसको क्या किया, दे टुक मी टू देयर दे रूम, वो अपने अपने रूम ले गए मुझे, अपने रूम कौन सीनियर उसको ले गया, रूम ले गया, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, आई लेकिन ना कि आर, उसके बाद आर आ गया पहले, तो उसके बाद पी पर जाएंगे हम लोग। जैसे उसको उसको दिखाने के लिए हेल्प किया तो आई वॉज सो हैप्पी, उसको उसके पीछे पीछे निकल चला गया, वो फॉलो किया उसका, उसके बाद उसको अपने रूम लेके चला गया, जहाँ पर उसको क्या किया, तो उसको डराया गया, धमकाया गया, उसको मनी और पैसा घाती करी घरी खलाई छीन लिया गया उससे। यहाँ देखो यहाँ पर क्यू एस आर पी जो है यहाँ पर आपका आंसर 100% श्योर है, तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आप क्वेश्चन को ऐसे ही प्रैक्टिस करो, अब जब एनालाइज करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपका हो जाएगा। सबसे पहली बात है कि आप इंग्लिश से डरना नहीं है आप लोग। देखिए सबसे पहली बात, इंग्लिश से ही डर जाते हो, अगर आप आर्मी क्लर्क में जाना चाहते हो, आर्मी में जाना चाहते हो, तो इससे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को आपको सामना करना पड़ेगा, ये तो पता है आपको ना। जब उसके सामने में ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, ये प्रॉब्लम फिक्स है, इतना करना है आपको, इतना में हो जाएगा सिलेक्शन आपका। लेकिन आगे जो प्रॉब्लम आने वाला है, ठीक है, जो आप आर्मी में आओगे तो ये तो पता नहीं है कि क्या प्रॉब्लम आएगा, क्या करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, कुछ अचानक हो जाएगा, तो उस प्रॉब्लम को कैसे झेलोगे आप। इसीलिए आप मेहनत अभी करो, फिर आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अगला दिया गया है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, क्या है, इट इज़ नो सरप्राइज, इसमें कोई आश्चर्यचकित वाली बात नहीं है, क्या है, दैट केरला हैज़ 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स,
केरला में थ्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बिल्कुल। हैज टूरिज्म एट इट्स कोर कॉम्पिटेंसी फॉर ए स्टेट दैट, देखो यहाँ पर अब कह सकता हूँ, यहाँ पर जो भी आपको अरेंजमेंट लग रहा है ना, आप अरेंज कर लो। देखो हम पी के बाद क्यों कर सकते हैं, क्योंकि देखो इट इज़ नॉट सरप्राइज दैट केरला हैज़, अगर मैं देखो इट इज़ नॉट सरप्राइज के बाद मैं हैज़ यूज़ नहीं करूँगा, मैं फॉर यूज़ नहीं करूँगा। देखो यहाँ पर यानी ऐसा मैं कर सकता हूँ कि इट इज़ नॉट सरप्राइज, अगर मैं ये यूज़ करके बाद मैं कैसे कर, इट वॉज नो सरप्राइज दैट, यानी पी के बाद क्यों मैंने मैच कर रहा है, देखो यहाँ पर इट वॉज नो सरप्राइज, देखो लेकिन मैं पी और क्यू क्या है, मेरा ऑप्शन में है ही नहीं, पी से स्टार्ट हो ही नहीं रहा है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पी से स्टार्ट नहीं हो रहा है, पी क्यू, देखो पी क्यू इसमें दिया गया एक, और पी क्यू आपका इसमें नहीं दिया गया है, पी क्यू इसमें दिया गया है, पी क्यू देखो इसमें दिया, सी और ए में दिया गया है, तो आपका आंसर या तो ए और सी हो जाएगा, क्योंकि पी और क्यू मेरा अरेंज कर रहा है मेरा सही सही। अगर मैं पी कर रहा हूँ तो यानी एस से स्टार्ट करना पड़ेगा, ऑप्शन ले रहा हूँ तो, नहीं तो इसमें एस से स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो एस के बाद एस दोनों में है आर और पी, अगर मैं ऐसा करता हूँ कि आर से आपका स्टार्ट होगा नहीं, ठीक है, यानी कह सकता हूँ मैं आपको यहाँ पर फॉर स्टेट दैट हैज़ फॉर स्टेट, एक स्टेट के लिए दैट हैड टूरिज्म इट्स इट कोर कॉम्पिटिशन, जिसमें कि उसके लिए जिसमें कि स्टेट में क्या हो टूरिज्म हो, जहाँ पर लोग विदेश से घूमने आए उसके लिए क्या बहुत अच्छा है वो स्टेट है, ठीक है। इसमें आश्चर्यचकित वाली बात नहीं है कि केरला में क्या थ्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, गौर करने वाली बड़ी बात है ये, मतलब बड़ी बात है, इसमें कोई आश्चर्यचकित वाली बात नहीं है केरला में। तो एक भी कोई स्टेट में एक भी आपका एयरपोर्ट होना वो कम नहीं है, लेकिन यहाँ पर केरला में तीन एयरपोर्ट है, केरला में तीन एयरपोर्ट है, ये कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है यहाँ पर। यानी कह सकता हूँ मैं एस के बाद आर कर सकता हूँ यहाँ पर, तो एस आर इसमें दिया गया है, तो एस पी इसमें दिया गया, ये तो आपका होगा नहीं, एस आर पी क्यू आपका जो आपका आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन देखने में लग रहा है आपका आसान है, लेकिन ये थोड़ा ये तीन दोनों में से थोड़ा ये लेवल इसका अलग लेवल है, ठीक है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका। तो प्रैक्टिस आप भी करना है ऐसे ही, आगे आ जाओ। आगे दिया गया है चूज द एंटोनिम ऑफ फिजिबल, अब फिजिबल के लिए चार वर्ड है, प्रैक्टिकल, इम्पॉसिबल, प्रैग्मेटिक और ड्रास्टिक, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए। वैसे फिजिकल का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग कर सकते हैं, जिसको क्या कर सकते हैं, जो हमारे करने योग्य रहता है ना, करने योग्य रहता है, जिसको हम लोग कर सकते हैं, हम लोग करने में एबल रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, केबल फिजिबल कहते हैं। और इम्पॉसिबल क्या हो जाता है, आपका एंटोनिम हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग असंभव कहते हैं, असंभव हम लोग कर नहीं सकते हैं उसे असंभव कहते हैं, इसका एंटोनिम में दिया गया है। तो एग्जाम जरूर देख लीजिएगा, सैनोनिम पूछ रहा है या एंटोनिम पूछ रहा है, फिजिबल यानी करने योग्य और इम्पॉसिबल जो उसको हम लोग कर नहीं सकते हैं, जो असंभव रहता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। अब आगे आ जाओ, आगे दिया गया है चूज द एंटोनिम ऑफ लॉडेबल, लॉडेबल का आपको एंटोनिम पता करना है, सैनोनिम पता नहीं करना है, आपको एंटोनिम पता करना है। तो एंटोनिम में आपका लॉडेबल के लिए क्या क्या दिया गया है, ल्यूडिक्रोस, क्रेडिटेबल, अपेलिंग और एडमायर। अब देख लो यहाँ पर, अब यहाँ पर जब 40 को आप लॉडेबल देखते हो तो लॉडेबल के लिए क्या है, लॉडेबल के लिए, तो लॉडेबल के लिए जो लॉडेबल मतलब होता है क्या, जिसमें मतलब किसी को लोग तारीफ कर सकते हैं, ठीक है, तारीफ कर सकते हैं, जिसको प्रशंसा करने योग्य रहता है, ठीक है, ये होता है लॉडेबल होता है। तो यहाँ पर आपका एंटोनिम जो हो जाएगा अपेलिंग हो जाएगा, अपेलिंग मतलब क्या होता है, जिसमें डर की बात रहती है, ठीक है, जो जिसमें दर्दनाक चीज़ रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपेलिंग कहते हैं, हम लोग अपेलिंग कहते हैं, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि इन तीनों में से जो आपका है, आप चारों में से आपका आंसर बेस्ट जो है अपेलिंग है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। एडमायर मतलब क्या, प्रशंसा करना होता है, क्या मतलब विश्वसनीय होता है, ऐसे देखो यहाँ पर अपेलिंग चूज करना आप लोग, ठीक है, याद कर लेना कि लॉडेबल का जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा अपेलिंग हो जाएगा। अब आगे आ जाओ, अगला वर्ड दिया गया है, सैनोनिम पता करना है डिस्टिट्यूट का, डिस्टिट्यूट का चार वर्ड दिया गया है, स्ट्रिक्ट दिया गया है, एरोगेंट दिया गया है, सुपरफिशियल और पुअर दिया गया है। तो डिस्टिट्यूट मतलब क्या होता है, दीनहीन होता है, गरीब होता है, लाचार होता है, तो ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा आपका आंसर, पुअर हो जाएगा इसका सैनोनिम में हो जाएगा, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, डिस्टिट्यूट का सैनोनिम दिया गया है पुअर दिया गया है, ठीक है। अब मुझे आप बता देना, एक बार सर्च ये भी कर लेना कि डिस्टिट्यूट का आपका एंटोनिम पार्ट क्या हो जाएगा, ये भी सर्च कर लेना आप लोग, एग्जाम में आपके ये भी आ सकता है। आगे दिया गया है कि देयर वेयर नो लेस देन 50 persons प्रेजेंट इन द रूम नो एरर। अब देख लीजिए यहाँ पर बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आपको पता करना है एरर पार्ट कौन सा है, एरर इसमें कौन सा है। आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए कि देयर वेयर नो लेस देन 50 रूम्स, 50 persons, यहाँ एरर मिल गया है, तो एरर दिया गया है पार्ट नंबर बी में, पार्ट नंबर बी में एरर क्या है आपका, यहाँ पर लेस देन का एरर है,
देखो लेस किसके लगता है, देख क्वांटिटी के लिए लगता है, यहाँ पर नंबर, यहाँ पर है 50 नंबर दिया गया ना, तो यहाँ क्या यूज़ करोगे आप लोग, फ्यूअर यूज़ करोगे, क्या यूज़ करोगे आप लोग, फ्यूअर ध्यान यूज़ करोगे, क्या यूज़ करोगे, यानी कम है रूम में, क्या है कम जनसंख्या में कम है, यहाँ पर फ्यूचर यूज़ करोगे, यहाँ पर फ्यूअर देन, नो फ्यूअर देन, लेस नहीं यूज़ करो, लेस क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा आपका एरर, ठीक है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन में आ जाओ कि फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वेयर ऑफेंसिव टू माई फ्रेंड, नो एरर। तो यहाँ पर आप देख लो क्या हो जाएगा आपका एरर, फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वेयर। देखो यहाँ पर जो एरर मिल जाएगा पार्ट नंबर ए में ही एरर मिल जाएगा, देख लो आपका एरर क्यों है आपका पार्ट नंबर ए में, क्योंकि यहाँ पर फ्यू दिया गया ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए फ्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए फ्यू आ जाएगा, ए फ्यू रिमार्क्स, क्या हो जाएगा, ए फ्यू रिमार्क आ जाएगा। देखो फ्यू मतलब क्या होता है, लगभग, नाक बाजार में बहुत कम होता है, और ए फ्यू मतलब क्या होता है, सम होता है, कुछ होता है, क्या होता है, कुछ होता है, ए फ्यू मतलब क्या होता है, कुछ, क्या कुछ के सेंस में, ठीक है। इसलिए आपका पार्ट नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 में, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द मीटिंग वाज पोस्टपोन्ड बिकॉज ओनली ए फ्यू नंबर ऑफ पर्संस वेयर प्रेजेंट देयर, और नो एरर पार्ट दिया गया। अगर आपको एरर नहीं मिल रहा है तीनों पार्ट में, बीसी में, तो आप आंसर नंबर डी सुन सकते हैं, नो एरर पार्ट का, लेकिन आपको एरर मिल जाएगा। पढ़ लीजिए फिर से एक बार, द मीटिंग वाज पोस्टपोन्ड बिकॉज ओनली ए फ्यू नंबर ऑफ पर्संस वेयर प्रेजेंट देयर। देखो एक मैं पढ़ रहा हूँ ना, मुझे एरर मिल गया है, एरर दिया गया है फ्यू में, ए फ्यू दिया गया है ना, यहाँ पर देखो यहाँ मिल जाएगा आपको, फ्यू के बदले में क्या देना पड़ेगा आपको, यहाँ पर स्मॉल करना पड़ेगा। तो फ्यू मतलब क्या होता है, फ्यू मतलब एक दिया गया है, एक समझ लो कि एक सेंस में रहता है, मात्रा में कम कितना ज़्यादा है वहाँ फ्यूज़ करते हैं हम लोग, नंबर में यूज़ करते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ पर देख लो यहाँ पर स्मॉल का यूज़ कर दिया गया है। देखो वैसे इससे मैंने पहले क्वेश्चन बताया था आपको, फ्यू के आप बदले में, आप लेस के बदले में आप क्या यूज़ करोगे, फ्यू यूज़ करोगे, नंबर के लिए यूज़ करोगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देख लो यहाँ पर फ्यू मैंने क्यों हटा दिया यहाँ पर, देख ए फ्यू नंबर ना कि क्वान्टिटी में, क्वान्टिटी में, अब यहाँ पर देख लो कि स्मॉल मतलब क्या सेंस ये ले रहा है आपको। देखो फ्यू भी अब गलत नहीं है, लेकिन फ्यू के बदले में आपको स्मॉल देना पड़ेगा, क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल से आपका सेंस यहाँ लग रहा है ना, स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि बहुत ही कम लोग के सेंस में यूज़ कर दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, एक तरह से यहाँ पर ए फ्यू नंबर ऑफ पर्सन नहीं होगा, ए स्मॉल नंबर ऑफ होगा, यहाँ पर मीनिंग के अर्थ से होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर, इसलिए आपका बी पार्ट में एरर है यहाँ पर, क्लियर यहाँ पर हो गया, इस पर डॉट मत करना आप लोग। तो फ्यू के बदले मैंने क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया, ए स्मॉल नंबर, ठीक है। अब आगे आ जाओ, आपको चूज करना है यहाँ पर आर्टिकल क्या होगा, रोम वाज नॉट बिल्ड इन डे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोम क्या एक प्रॉपर नाउन है, और यहाँ पर डे एक कॉमन नाउन है यहाँ पर, तो रोम क्या एक सिटी का नाम है ना, तो सिटी नाम से पहले हम लोग द का यूज नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले नो आर्टिकल यहाँ आ जाएगा, नो आर्टिकल एक इसमें दिया गया, इसमें दिया गया है, या तो आपका आंसर समझ लीजिए ऑप्शन ए या डी होगा, लेकिन आपका आंसर कभी भी बी और सी नहीं होगा। अब यहाँ पर देख लो, इन द डे होगा, नहीं द डेट यूज़ नहीं करोगे, इन अ डे होगा, मतलब रोम जो है एक दिन में नहीं बना है, कहने का मतलब क्या रहा है, एक दिन में नहीं बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्लियर आप हो गया ना। कोई भी सिटी नेम प्रॉपर नाउन से पहले जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं आर्टिकल का। आगे आ जाओ, सानिया प्लेज बैडमिंटन वाइल हर फ्रेंड नेहा प्लेज टेनिस, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर आपका आंसर डायरेक्टली आप चूज कर लेना, ऑप्शन नंबर ए चूज कर लेना, क्योंकि कोई भी गेम के नेम से पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। गेम के नेम यानी कि टेनिस एक गेम है, बैडमिंटन एक गेम है, उससे पहले हम लोग कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, क्लियर यहाँ पर हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पर। आगे आ जाओ, USA is larger than India in area। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एरर क्या हो जाएगा, एरर नहीं, यहाँ पर कौन सा आपका आंसर सही होगा। देखिए यहाँ पर सबसे समझ लीजिए, लार्जर देन इंडिया, और यहाँ पर ये देखो, ये भी एक कंट्री नेम है, ये भी एक आपका कंट्री नेम है, लेकिन यहाँ हम लोग कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बता दिया कि प्रॉपर नेम के पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा, नो आर्टिकल इसमें दिया गया, इसमें दिया गया है, तो देखो द इंडिया नहीं आएगा, ए इंडिया नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए और डी तो वैसे ही कट गया आपका। अब यहाँ पर आर्टिकल यूज़ करने के नहीं करने, आप बोलोगे सर यहाँ पर प्रॉपर नाउन, यहाँ पर आर्टिकल यूज़ नहीं करा मैंने, यहाँ पर आर्टिकल मैं यूज़ करूँगा द। द का क्यों यूज़ करूँगा, जैसे कि कुछ जो कंट्री है ना, कुछ स्टेट से, कुछ सिटी से मिलकर कंबाइन करके बना है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर यूएसए का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है, ठीक है, ये होता है ना अमेरिका। यहाँ पर बहुत सारे स्टेट का क्या है, 50 जो स्टेट का ये ग्रुप है ये, तो इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग द लगाते हैं। देखो जैसे कि मान लो क्या होता है, द यूएई होता है, क्यों क्या है, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स होता है, समझ रहे समझ रहे होंगे आप लोग। यहाँ पर ये क्या है, ग्रुप है, ठीक है। जैसे मान लो कि नीदरलैंड्स होता है ना, नीदरलैंड्स होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर द नीदरलैंड लगाएंगे, यहाँ पर एक ग्रुप है, एक क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं, हम दौड़ का यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर इस तरह से ए हो, बी हो जाएगा, नो आर्टिकल यहाँ दोगे नहीं आप लोग, बी हो जाएगा आपका आंसर। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग नोट जरूर बना लीजिएगा इसका आप लोग, ठीक है। देखिए यूएसए से पहले हम लोग क्या यूज़ करें, हम लोग द का यूज़ करते हैं, कर सकते हैं हम लोग यूएसए से पहले, हम द से पहले क्या यूनाइटेड यूनाइटेड मतलब क्या यूए यूज़ करते हैं ना, यूए यूज़ करते हैं, ठीक है। और जैसे हम लोग का द नीदरलैंड का, हम लोग द नीदरलैंड्स के यूज़ हम लोग करते हैं, हम लोग ऐसा हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आगे है ही एक्ट्स अकॉर्डिंग माई इंट्रक्शन, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन फिल करना है आपको, यहाँ पर ही एक्ट्स अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू होता है के अनुसार, वह मेरे इंस्ट्रक्शन जो मैंने जो निर्देश दिया उसे अकॉर्डिंग ये एक्ट कर रहा है, काम कर रहा है, तो ही एक्ट्स अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद कर लेना आप लोग, अकॉर्डिंग टू होता है के अनुसार होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर यहाँ पर है। आगे आ जाओ, आई इंसिस्टेड हैविंग माई स्टे, हैविंग माई स्टे, ही इंसिस्टेड क्या होता है, याद कर लो, फिक्स प्रीपोजिशन यहाँ पर है, इंसिस्टेड ऑन होता है, क्या होता है, इंसिस्टेड आप ऑन भी यूज़ करते हो और अपॉन भी यूज़ कर सकते हो आप लोग, क्या कहते हो, अपॉन भी यूज़ कर सकते हो आप लोग, ठीक, दोनों एक ही होता है यहाँ पर, आप ऑन ही यूज़ करना आप जनरली, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। आगे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, हीज फ्रेंड डिसएग्रीड हिम ऑन हिज पॉइंट, देखो यहाँ पर हीज फ्रेंड डिसएग्रीड, देखो एग्री और डिसएग्री के साथ कौन सा लगाते हैं हम लोग, तो विथ का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है ना, विथ का, समझ गए ना यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, हीज एग्री डिसएग्री, हीज फ्रेंड डिसएग्रीड हिम, किसी आदमी के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग एग्री के साथ विथ का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ मैंने टोटल 50 क्वेश्चन कराया है, 50 क्वेश्चन में कितना सही है आप लोग एनालाइज कर लेना आप लोग, और मैं अगले क्लास में आप लोग कमेंट करोगे तो बताओगे मैंने इतना बनाया है, तो मैं अगले क्लास में बता दूंगा कि आपका स्कोर कितना सेफ है यहाँ पर है, ठीक है। आप मुझे ये भी बताना कि इंग्लिश में कितना बनाया है आपने 25 क्वेश्चन में, और 25 क्वेश्चन अदर पार्ट है उसमें कितना बनाया है, ठीक है, और निगेटिव कार्ड का मुझे बताना। बाद बाकी इंग्लिश का जो सेक्शन यहाँ पर दिया गया है ये पीडीएफ है, वो जरूर लेना आप लोग। देखिए वन प्लस डिफेंस अकेडमी का जो भी है ना आर्मी क्लर्क के लिए पेड कोर्स दिए हैं, वो भी मैं बोलूँगा सभी जो भी मटेरियल है सभी ले लेना आप लोग, सभी ले लेना आप लोग जो भी है, यहाँ पैसे की मत परवाह करना यहाँ पर, ठीक है, पैसा बहुत मिल जाएगा, आप बहुत कमा लोगे, बहुत कुछ कर लोगे, लेकिन आपको ज़िंदगी यहाँ बनाना है। और आपके पास जो भी बुक है ना पहले से भी उसको भी रीड करिए आप लोग, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बुक छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है, तो वही बुक पढ़ लीजिए, बाद में जो भी मैंने बना दिया है वन प्लस डिफेंस अकेडमी का वो जरूर आप लोग 100% जरूर तैयारी करना उसके साथ। उसके लिए कुछ ना कुछ चार्ज है, समझ लीजिए चार्ज आप सर को दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं किसी तरह से, ये भी समझ लीजिए। बाद बाकी हम आगे कितना रह सकते हैं, आप ही के हेल्प से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे, तो मेरा काम है बेस्ट बेस्ट कंटेंट लाना, बेस्ट बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करना कम से कम में, आपका काम है सर का हेल्प करना, बाद बाकी आगे बढ़ाना, दूसरों को बताना, ये चीज़ है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अगर सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब भी ज़रूर करना आप लोग, तभी हम लोगों का हेल्प कर सकते हो। तो आज के बस इतना ही दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद।